तो केडीपी पे अगर आप कुछ टाइम से हैं या आप नए हैं तो उसमें एक नीच होता है जो कि होता है पजल बुक्स का। और पजल बुक्स का नीच काफी कम्पिटेटिव है पहले ही मैं बोल दूं, लेकिन हाई डिमांडिंग भी है। तो जैसा कि Q4 अप्रोच कर रहा है और ये सीजन होता है हॉलीडेज का, ये सीजन होता है गिफ्ट्स का, खरीदारी करने का, तो इस केस में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। और उस केस में पजल बुक्स की जो सेलिंग होती है वो काफी अच्छी होती है। तो आज इसी पजल बुक्स के बारे में, कैसे बनाते हैं फ्री में, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। नमस्ते, हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए जो कि 24/7 काम करता है इवन इफ यू आर स्लीपिंग, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कोई से भी जाकर कंफर्टेबल हैं आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएटेड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जिस टाइप ऑफ पजल्स के बारे में, वो है क्रॉसवर्ड पजल्स। अब ये क्या होता है, हमको कैसे यूज करना है एक्सेट्रा। पजल्स बहुत तरह के होते हैं, वर्ड सर्च पजल्स हो गए, क्रिप्टोग्राम्स हो गए, उसके बाद सुडोकू हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये बारी बारी से मैं कवर करूंगी। तो आज मैं क्रॉसवर्ड पजल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो क्रॉसवर्ड पजल्स दिखते कैसे हैं, क्या होता है, ये आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन तो पहली बात बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल्स लिखा मैंने और 10,000 सर्च रिजल्ट आ गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी और आई थिंक हर एक वीडियोस में ही मैंने ये बोला है कि मैं हमेशा वही नीशेस पे काम करना पसंद करती हूँ जिसमें कि कंपटीशन हमारा लो है। कंपटीशन लो होगा उससे क्या फायदा होगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कंपटीशन मेरा लो है तो मेरी रैंक करने की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा होगी फर्स्ट पेज पे। मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही फोकस करती हूँ, उसके बियॉन्ड में नहीं जाती हूँ, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। लेकिन कंपटीशन लो होने के साथ साथ एक और क्राइटेरिया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि क्या आपके बुक सेल हो रहे हैं उस कंपटीशन के अंदर या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बुक रैंक कर रही है 1 to 100 में, दैट इज वेरी गुड, मैं फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हूँ, लेकिन क्या उसका डिमांड है उस कीवर्ड्स का या नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आपका बुक रैंक कराने का अगर वो सेल ही ना हो, राइट। तो इस वजह से मैं दो चीजें चेक करती हूँ, पहली चीज कि उसका सर्च रिजल्ट जो है 1000 से नीचे हो या 1000 हो, और दूसरी कि मेरी कोई 3 बुक्स की रैंकिंग, मेरी नहीं मतलब उस फर्स्ट पेज पे जो बुक रैंक्स कर रहे हैं उनमें कोई 3 की रैंकिंग 3 लाख या 3 लाख से नीचे हो। अब ये क्यों होता है ये भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी लोग वीडियो नहीं पूरा देखते और कमेंट में पूछते रहते हैं मुझसे। मैंने पहले ही बोला कि अगर 3 लाख अगर आपकी बुक की रैंकिंग है, दैट मीन्स कि एटलीस्ट आप डेली सेल्स कर रहे हैं। अगर आप सेल्स कैलकुलेटर में जाएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं दोहराऊंगी, तो उसमें अगर आप 3 लाख करते हैं तो एटलीस्ट आपको एक सेल मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपका बुक जो है वो कुछ रेवेन्यू जनरेट तो कर रहा है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, और यही हमारा मोटिव है, राइट। तो इस वजह से मैं ये चूज करती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 10,000 है जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि हमको नहीं जमेगा, हमको चाहिए 1000 से नीचे। और ये सारा चीज करने से पहले आप अपना डिलीवर एड्रेस चेंज कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क या फिर कोई अदर यूएस सिटी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सब नीचेस को। तो क्रॉसवर्ड पजल्स और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए क्रॉसवर्ड पजल्स फॉर यंग एडल्ट्स मैंने किया, तो यहाँ पे मेरा सर्च रिजल्ट आ गया 948, विच इज फुलफिलिंग आवर फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया में मेरे को 3 बुक देखनी है जिसकी रैंकिंग 3 लाख से नीचे हो या 3 लाख हो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे ये सारे सजेशंस आ रहे हैं ये सारे, तो ये एक एक्सटेंशन यूज होता है जिसको बोलते हैं हम AMZ सजेशन एक्सपेंडर, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे।
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप इसको जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्रॉसवर्ड पजल्स फॉर यंग एडल्ट्स, चलिए देखते हैं अपना 3 बुक्स जिसकी रैंकिंग 3 लाख से नीचे हो। तो पहली बुक तो मेरे को मिल गई जिसकी रैंकिंग 1,65,922 है, पहला मिल गया अपने को। सेकंड 82, ये भी सही है, इसको भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मिल गया मेरे को 157। दैट मीन्स कि ये एक प्रॉफिटेबल नीश है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करती हूँ। कई लोग 10 तरह के टूल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा अपने आप को मैं कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहती। ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट इज़ वाई मैं इसको सिंपल रखती हूँ बट टू द पॉइंट रखती हूँ। तो ये हमारा मिल गया मेरे को सब नीचर्स विच इज़ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल और यू कैन स्टार्ट वर्किंग। अब बात आती है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ आ गई, लेकिन अब इसको मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी कैसे। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली बात तो आप देख लीजिए कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो आप कोई भी बुक खोलिए, उसके लुक इनसाइड में जाइए, या आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं। क्रॉसवर्ड पजल्स आप लिखेंगे और गूगल इमेजेस में जाएंगे तो आपको सारी इमेजेस दिख जाएंगे कि ये दिखते कैसे हैं। ठीक है जी, तो मैं इसके गो इनसाइड में गई और आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का दिखता है। दैट मीन्स कि कुछ क्लूज बने होते हैं और आप इसमें फिलअप करना होता है आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए आप? आपको अगर नहीं समझ आया तो आप 2-3 बुक का और डिफरेंस ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है जी, अब बात आती है कि इसका इंटीरियर मैं बनाऊंगा कैसे या बनाऊंगी कैसे। जैसा कि मैंने बोला, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली बात तो आप क्रिएटिव फैब्रिका से जाके और डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, फिर उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले सिखा दी है। क्रिएटिव फैब्रिका का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि आप $1 में आप 1 महीने तक अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। आप करेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उस पर वीडियो डाला था, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप मॉडिफाई कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है जी, लेकिन अगर आप $1 भी खर्च करने में असमर्थ हैं फिलहाल और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप खुद बनाना चाहेंगे, तो वो मैं आपको ये सारा प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, आपको मैंने नीश भी दे दिया है जो प्रॉफिटेबल है। अब चलिए इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रॉसवर्ड पजल्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ वो कम्प्लीटली फ्री है, आपको 1 भी रुपया खर्चने का नहीं है, आपको बस अपना समय देने का है। ठीक है, और ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर मैं रिकमेंड कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी एफिलिएट नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इससे, मैं बिल्कुल आपको अपना सजेशन दे रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको समय लगने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, समय लगेगा तो एक यूनिक भी प्रोडक्ट बनेगा आपके लिए। ठीक है जी, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है crosswordlabs.com। अब इसमें बात आती है कि इसमें काम कैसे करते हैं। यहाँ पे आता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर समझ गया मैं अब जाके काम कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि इसके आगे प्रोसेस ज़्यादा कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेक अ क्रॉसवर्ड, फाइंड अ क्रॉसवर्ड, अबाउट, ये सब है। ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाकर सीधे स्पोर्ट करके और सर्च कर लेंगे तो यहाँ से भी आप क्रॉसवर्ड पजल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर 150 लोग एक ही चीज़ बना रहे हैं, मतलब 150 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं मेरा और इस पे जाके स्पोर्ट लेके यहाँ पे सर्च कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको एक ही चीज़ बार बार बन के आएगी और वो एक ही चीज़ यूज़ करेंगे। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप समय दे रहे हैं तो आप यूनिक बनाइए। ठीक है, तो ये पहला फंडा मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको स्क्रैच से बता रही हूँ। ठीक है, अब क्रॉसवर्ड पजल टाइटल, जैसे कि मेरा पहला पजल जा रहा है यहाँ पर पजल 1, और इस पजल में मैं 10 पजल्स डालूंगी। ठीक है, 10 पजल्स उसके क्ल्यूज के साथ, क्योंकि क्रॉसवर्ड पजल्स में हम क्ल्यूज भी देते हैं और उसका आंसर की भी हम अटैच करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पजल 1। अब मेरे को इसमें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंटर द वर्ड अ स्पेस एंड देन द क्ल्यू, है ना जी। मतलब एक आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एक वर्ड डालना है, स्पेस है, उसके बाद उसका क्ल्यू है, ऐसे हमको डालना है यहाँ पे सारे वर्ड्स और क्ल्यूज। ठीक है, अब ये वर्ड्स और क्ल्यूज आएंगे कहाँ से, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है।
कि ये मैं लाऊंगा कहाँ से, ये भी आप बहुत तरीके से कर सकते हो। ऑब्वियसली आप गूगल पे जाइए और आप क्रॉसवर्ड पजल वर्ड्स लिखिए, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, कॉपी पेस्ट मारिए, हो जाएगा। लेकिन रैंडम चीज़ें मैं बनाना चाह रही हूँ, रैंडम क्रॉसवर्ड बनाना चाह रही हूँ, तो मैं जाऊंगी इस पे। ये भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, दैट इज कॉल्ड रैंडम वर्ड एंड क्लू जनरेटर। तो मैं रैंडम वर्ड्स उठाना चाहती हूँ, तो जैसे स्क्रीन वर्ड यहाँ पे मैं उठा रही हूँ, तो स्क्रीन स्पेस, और यहाँ पे जो मुझे इसका डेफिनेशन है दैट मीन्स क्लू, मैं इसमें से कोई सा भी क्लू उठा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिया था मैंने और ये मैंने चिपका दिया इसका क्लू। सिमिलरली आप जाइए, आपको ये रिफ्रेश बटन दबाना है, आपको नया वर्ड आएगा मिलके, आपको पसंद आया वर्ड तो लीजिए, अदरवाइज आप रिफ्रेश बटन दबाते रहिए, आपको नए नए वर्ड्स मिलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 10 वर्ड्स एटलीस्ट ले रहे हैं, तो आप 10 वर्ड्स ले सकते हैं एक पजल के अंदर, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है, तो मैं 3-4 करके आपको बस शो कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कंसिडर, एक और लूंगी मैं, उसके बाद मैं आगे के स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो इसको करते हैं रिफ्रेश रिफ्रेश। ठीक है, तो मैं रैंडम ऐसे वर्ड्स उठा रही हूँ ताकि मैं आपको आगे की चीजें बताऊं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हो गया हमारे 3 वर्ड्स। ठीक है जी, अब बात आती है, अब आगे करना क्या है मेरे को। ये हमारा हो गया, आप इसमें पहले 10 वर्ड्स करिएगा, जैसे अभी मैंने करके सिखा रही थी। ये करने के बाद आपको जाना है स्क्रॉल और आपको सेव एंड फिनिश बटन दबाना है। सेव एंड फिनिश बटन दबाते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दैट मीन्स कि आपका पजल का स्पेस भी आ जाएगा और ये हिंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी, अब मेरे को करना है इसको डाउनलोड। अब मैं करूँगी कैसे, यहाँ पे आप जाइए प्रिंट के बगल में जो व्हाइट स्पेस है, और यहाँ पे वर्ड पीडीएफ वर्जन दबाइए और प्रिंट करिए। जैसे आप करेंगे आपको नया टैब खुल के आ जाएगा जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बहुत तरीके हैं। पहले तरीका है कि डाउनलोड एस पीडीएफ, जो आप कर लीजिए, या फिर आप इसको एसवीजी के भी फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आप कैडे के अंदर अपलोड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ठीक है, अब मैं इसको करूँगा कैसे, मतलब बुक के फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा। ठीक है जी, उसके लिए मैं जिस वेबसाइट यूज़ करूँगी वो है कैनवा, जो कि आप सबको पता है कि मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ। तो कैनवा आप अनअवेयर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके साइन अप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं canva.com पे, और मैं सीधे जाऊंगी यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन के अंदर। क्रिएट अ डिज़ाइन में मैं लूंगी कस्टम साइज, और जो हमारा साइज है वो 8.5। जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं हमेशा केडीपी के अंदर, वही यूज़ करूंगी मैं। ठीक है जी, ये हो गया मेरा 8.5x11 का। अब ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है केडीपी बुक का। अब मुझे इसको अपने हिसाब से बुक चेंज करना है इन इमेजेस को, तो मैं क्या करूँगी, पहले ये ग्रिड को डाउनलोड करूँगी। तो एज अ एसवीजी इमेज मैंने जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। मैं इधर जाऊँगी, अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे सर्च करिए, बॉर्डर आएगा, उसको आप अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी से आप इसको बुक के पेज को बनाइए। यहाँ पे मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत बारी मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मैं एक सिंपल पेज बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये पहला हमारा पेज यहाँ पे आ गया। मैं फटाफट आपको बना के पहला पेज दिखाती हूँ। पजल 1 है ये हमारा। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब बात आती है हमारे क्लूज की, है ना। इसको मैं यहाँ से कर लूंगी कॉपी पेस्ट सिंपली, जैसे आप करते हैं, यहाँ पे मैं कर दूंगी पेस्ट।
तो ये मेरा पहला पेज का जो पजल है वो तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने 3 ही लिया, लेकिन आपको एटलीस्ट 10 लेना है, ठीक है? 10 लेंगे ऑब्वियसली इसका साइज थोड़ा छोटा होएगा, तो उस केस में आप इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे इसको मैंने 1 में ले लिया है, तो आप इसको ऐसे 2 में डिवाइड कर दीजिएगा। आप 5 इधर लिखिएगा, 5 इधर लिखिएगा क्लूज, ठीक है? अभी मेरे पास बहुत स्पेस है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ये करके आपको जितने पेजेस बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 क्रिप्टोग्राम पजल्स बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह के आप यहाँ पे 10 पेज लगाएंगे, 10 × 10 100 हो जाएगा। अगर 100 पजल्स आप ले रहे हैं, तो अगर 100 पेजेस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 100 पेजेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताना भूल गई थी, जब वीडियो ख़त्म हो गया तब मुझे याद आया, इसलिए मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं सारे टैब्स बंद कर चुकी थी, इसलिए मैंने एक फटाफट एक और एग्जाम्पल ऐसे ही बना लिया आपको दिखाने के लिए, और अब मैं बताने जा रही हूँ। तो क्लूज और हमारा जो मेन क्रॉसवर्ड पजल है वो कैसे बनाना है, कैसे अटैच करना है, वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना मैं भूल गई थी वो ये था कि आप इसके अंदर आंसर कैसे लगाएंगे, ठीक है जी? क्योंकि क्लूज और ये तो बताती, लेकिन आंसर की भी तो हमको अटैच करना होता है अपने बुक में। तो उसको अटैच करने के लिए आपको सीधे इसी पेज पे जाना है जब आपका पजल बन जाएगा, तो और इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और आंसर की पे क्लिक करेंगे और प्रिंट का बटन दबाएंगे। जैसे आप करेंगे आपको आंसर मिलके आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, और आप इसको बुक के जो है लास्ट में आप अटैच करेंगे सारे पजल्स के आंसर्स को। जैसे पजल 1 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं एक बार बता देती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे है पजल 1 है जैसे, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं जाऊंगी और ये पजल 1 आंसर ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है? ऐसे करने के बाद आप सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो यहाँ पे मैंने अपनाया था। SVG फाइल आप डाउनलोड करेंगे इधर से, कहाँ गया ये रहा, और आप सेम चीजें वही से ही यूज करेंगे, ठीक है? तो या उसके बाद इसको आप करेंगे डाउनलोड, डाउनलोड आप करेंगे PDF प्रिंट में, एंड यू आर गुड टू गो। आप बिल्कुल तैयार है आपका इंटीरियर, और आप जाके इसको KDP के अंदर अपलोड भी कर सकते हैं अपने कवर के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है ये बनाना। ऑब्वियसली मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि समय लेगा, लेकिन आपका जो पजल बुक बनेगा वो बिल्कुल यूनिक बनेगा, ठीक है? तो आपको कोई इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे कॉपी राइट मत आ जाए, मेरे को ऐसा कोई डुप्लीकेशन का एरर मत आ जाए एक्सेट्रा, ठीक है जी? तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तब मुझे वो मोटिवेशनल एक किक मिलता है टू वर्क मोर ऑन दिस चैनल, टू एक्सप्लोर मोर, टू एक्सप्लेन मोर, एंड बहुत सारी और भी फ्रूटफुल वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।